नंबर 32 है, 32 में क्या बोलता है कि sec p माइनस tan p का होल स्क्वायर और 1 प्लस sin p का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई sin स्क्वायर p। अगर बात sec p या फिर sec, चलिए p माइनस tan p की हो, इसको जब लिखेंगे तो आ जाएगा 1 माइनस sin p डिवाइडेड बाई cos p। ध्यान रहे, अगर यही sec p प्लस tan p होता तो इसको हम लिखते तो आ जाता 1 प्लस sin p बाई cos p। हो गया, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 1 माइनस साइन पी बाई कॉस पी का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस साइन पी का होल स्क्वायर, डिवाइड करना है साइन स्क्वायर पी से। क्या आ रहा है, 1 माइनस साइन पी इंटू 1 माइनस कॉस पी, कॉस पी नहीं, 1 माइनस साइन पी एंड 1 प्लस साइन पी है ना, ये जो भी आएगा इसका स्क्वायर कर देना है। नीचे क्या है, कॉस स्क्वायर पी, और जो डिवीजन है इसको लिखेंगे तो आ जाएगा साइन स्क्वायर पी। क्या निकल के आ रहा है, न्यूमरेटर में 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर आ जाएगा, जिसको कॉस स्क्वायर पी लिख पाएंगे, और कॉस स्क्वायर पी का होल स्क्वायर का मतलब कॉस टू दी पावर 4 पी हो गया डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर पी साइन स्क्वायर पी। आंसर क्या आ गया है, कॉट स्क्वायर पी। सही आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि एक ऊपर नीचे कैंसिल होकर क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर पी, कॉस स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर क्या आ जाएगा, कॉट स्क्वायर। तो अगर ये वीडियो ने किसी भी तरह से आपको मदद पहुंचाई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे सारे बेस्ट पीआरक्यू का सोल्यूशन मिलेगा आपको डिटेल में, और अगर हम यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं तो उठाएंगे बेसिक से लेके जाएंगे टॉप तक। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए सोल्यूशन के साथ और एक नए कॉन्सेप्ट के साथ।